सुजानपुर के साथ लगती पंचायत पटलंदर महिला मंडल द्वारा उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति की मौत कुल्लू में उसके ससुराल पक्ष ने की है। ये बात मृतक की माता ने उपायुक्त हमीरपुर से कही। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा कुल्लू में ससुराल में गया हुआ था, जहां पर उसे मार दिया गया है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, जिसमें उनमें रोष पनप रहा है। उन्होंने उपायुक्त हमीरपुर से मांग की है कि मृतक के कारणों का पता लगाया जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए, ताकि मेरे बेटे के मृतक होने का कारण पता चल सके। वहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान मृतक की मां लगाती नजर आ रही है। कोई भी बयान पुलिस ने हमारी तरफ से दर्ज नहीं किए हैं, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर संदेश जताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस दोनों पक्षों का बयान सुनकर ही कोई निर्णय करे। उसके बाद उसको कोविड-19 का उसको घोषित किया गया, उसके बाद कोई प्रिकॉशन नहीं, और वैसे उसकी बॉडी को लपेट के हमें सौंपा गया। ठीक है जी, ये पुलिस वालों की वहाँ की रिपोर्ट है। ठीक है जी, कि हमने थाना सुजानपुर में हमने फ़ोन किया था सर। ठीक है जी, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। 1100 नंबर पे हमने कॉल की थी, वहाँ से जो हमें डिसीजन मिला है, जो वहाँ के DSP है प्रेम गुप्ता जी, तो उन्होंने जो रिपोर्ट में हमें वापसी रिटर्न किया है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि परिवार वालों को कोई शक नहीं है, जबकि हम लोगों ने कंप्लेंट करी है कि हम लोगों ने वहाँ पे जो कंप्लेंट की थी 23 तारीख को, तो उसमें कहा था कि हमें शक है। अब देखो जी, वो परिवार का कोई नहीं आया, उसको जलाने के लिए भी हमें गाँव से तीसरा छोटा बस्ती लेना पड़ा।